नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाक्षी दीक्षित अवरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, दक्षिण मुंबई के ग्रांड परोड इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। नींद में खलल पड़ने की वजह से एक बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल 64 साल के आरोपी बेटे को सोने का शौक था और इसी वजह से जब माँ के घर में कामकाज की आवाज़ से उसकी नींद टूटी तो वह इतना खूंखार हो गया कि उसने बिना देरी किए माँ को मौत की नींद सुला दिया। स्थानीय डीबी मार्ग पुलिस ने 78 वर्षीय माँ रमाबाई नाथोपिसल की कथित हत्या के आरोप में बेटे को सुभाष वाघ को गिरफ्तार किया है। जांच में पुलिस को पता चला है कि आरोपी सुभाष बाग लैमिंगटन रोड में मां के साथ पंडितालय भवन की तीसरी मंजिल पर रहता था। वह बेरोजगार है, इसलिए उसकी पत्नी और बच्चे उससे अलग रहते हैं। पुलिस के मुताबिक सुभाष की मां रमाबाई ने दो शादियां कर रखी थी जिनमें पहले पति की वह संतान है। पंडितालय भवन के दूसरे हिस्से में उसका दूसरा भाई परिवार के साथ रहता है। सुभाष का खर्चा उसकी बूढ़ी माँ ही उठाया करती थी। काम धंधा नहीं होने के कारण सुभाष अधिकतर घर में रहता है और वह काफी समय सोता रहता है। इसको लेकर झगड़े भी होते थे। उधर अधिक उम्र होने के कारण रमाबाई को नींद की समस्या थी। वह देर रात तक जागकर काम करती रहती थी। इसके कारण कुछ न कुछ खटपट की आवाजें आती रहती थी जिसके चलते सुभाष की नींद खराब हो जाया करती थी। इसको लेकर कई बार दोनों में झगड़ा भी हुआ था। आरोप है कि मंगलवार तड़के रमाबाई काम कर रही थी, इससे सुभाष की नींद टूट गई। वह आग बबूला हो गया और गुस्से में आकर किचन में रखे चाकू से कथित तौर पर मां पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, गंभीर रूप से जख्मी मां को लहूलुहान छोड़कर वह बगल के कमरे में गया और वहां सो रहे भतीजे वेदांत बाग को हत्या की बात बताई। इसके बाद वह एक अन्य कमरे में जाकर दोबारा सो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रमाबाई की गर्दन, छाती और पेट सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू से 22 बार हमला किया गया था। धन्यवाद।